आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hi guys, let's take a look at the question. It says, fill in the blank with the correct with the correct word from the options give given below. ये ना एक fill in the blanks का क्वेश्चन है. हमें यहाँ पे इस blank को फिल करना है जो भी हमें options दिए हुए हैं उनसे ठीक है ये given है. अब ऑप्शन को देख लेते हैं उससे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं इट सेज एज द स्नो मेल्टेड द रोड्स बिकेम वेरी डैश मतलब जैसे जैसे स्नो मेल्ट हुई रोड्स बहुत ज़्यादा डैश हो गई अब रोड्स क्या होंगी है? हम देखते हैं सबसे एक रहता है स्लिपरी स्लिपरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाना ऑयली हो जाना ये तो सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर क्लियर एक मीनिंग समझें इसका इसे ग्रीसी लिख देते हैं मीनिंग समझे तो इट विल बी लाइक डिफिकल्ट टू होल्ड फर्मली डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर्मली या स्टडीली ठीक है ओके okay. दूसरा शैलो शैलो मतलब कम गहरा हो जाना ठीक है शैलो हो जाना शैलो मतलब लेस डीप अगला आता है डिफेक्टिव डिफेक्टिव मतलब um, फॉल्टी बोल सकते हैं एंड द लास्ट वन इज मतलब हम रूड अब हमने चारों ऑप्शन के मीनिंग समझ लिए हैं हम देखो सेंटेंस क्या कह ली है जैसे जैसे स्नो मेल्ट हुई रोड बहुत ज्यादा कुछ हो गई जब मेल्ट होती है तो क्या होता है वाटर आ जाता है वाटर आ जाता है तो क्या हो जाता है रोड ग्रीजी ऑयली डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर्मली हो जाएंगी ना स्टे स्टेडीली चलना मुश्किल हो गया रोड पे तो इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर ए होना चाहिए ए